Hello everyone, welcome to the class number 4 of Relational Database Management System. So last class mein humne padha tha, last kuch classes mein humne pehle kya padha tha ki data storage approach ke bare mein padha tha humne. So data storage approach kya hai? Ye ek technique hai jisko use karke hum data ko store karte hain. So wo mainly do tarah ke the, ek tha manual data storage approach aur ek tha computerized data storage approach. तो मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम क्या करते हैं कि मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम पेन पेपर यूज करके डाटा को स्टोर करते हैं और कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करके रखते हैं. तो फिर कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था कि वो दो तरह के होते हैं, एक है फाइल बेस्ड सिस्टम और एक है डाटा बेस्ड सिस्टम. कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम एक फाइल बेस में भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर डाटा बेस के फॉर्म में भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि हम डाटा को, जैसे कि वर्ड फाइल हो गया, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो हमारा सिस्टम दिया होता है डाटा को स्टोर करने के लिए वो है फाइल बेस्ड सिस्टम. जो कि हम हमारे मोबाइल्स में भी जो डाटा स्टोर करते हैं वो भी फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में स्टोर करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था डाटा बेस्ड सिस्टम, जैसे कि आप देखे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग वाला एप्लीकेशन या फिर IRCTC वाला एप्लीकेशन. तो वहां पे जो डाटा स्टोरेज होता है, वहां पे डाटा स्टोर करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटाबेस सिस्टम. ओके, तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फाइल बेस्ड सिस्टम का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और डाटाबेस सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो जो डाटाबेस सिस्टम हमने पढ़ा था, एक डाटा स्टोरेज अप्रोच है जिसमें हम डाटा को मेनली टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. तो वो डाटाबेस सिस्टम वाला जो टेक्निक है वो भी अभी मेनली और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. पार्ट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, एक डाटाबेस सिस्टम का मेनली दो पार्ट है, मतलब हम एक डाटाबेस एप्लीकेशन के फॉर्म में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर डीबीएमएस के फॉर्म में भी या फिर डीबीएमएस को भी यूज करके हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, तो ये डाटाबेस एप्लीकेशन क्या है और डीबीएमएस क्या है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं. तो पहले जानते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन क्या है. जैसे कि आप लोग, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ऑनलाइन बैंकिंग वाला कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आपका रेलवे टिकट बुकिंग वाला कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो वहां पे आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पे आपका जो डाटा स्टोर होता है आपका, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया तो आपका अकाउंट डिटेल्स आपका जो वहां पे स्टोर है वो कैसे स्टोर है, डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर है. तो उस डाटाबेस में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, उस डाटाबेस में जो भी डाटा है उस डाटा को देखने के लिए, उस डाटाबेस में जो भी डाटा है उस डाटा को मैनिपुलेशन करने के लिए हम जो कुछ सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन. जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग में आपका ऑनलाइन बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जो आपका रेलवे का सॉफ्टवेयर है उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का डाटाबेस एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं कि उसके डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाटा को अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं. ओके, ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब अगर कोई भी एक डाटा कोई भी एक एप्लीकेशन है उसमें सारे डाटा डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, उस डाटाबेस में कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं या फिर उस डाटाबेस में जो भी डाटा है उस डाटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं जिस एप्लीकेशन के द्वारा, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन. ओके, इट इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है या फिर एक एप्लीकेशन है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, यूज्ड टू स्टोर एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटाबेस. एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो डाटाबेस हमने यूज किया है जहां पे डाटा स्टोर्ड है उस डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ, उस डाटाबेस से कुछ डाटा को एक्सेस करने के लिए या फिर उस डाटाबेस से डाटा में कुछ मैनिपुलेशन अगर हम करना चाहते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए हम जो सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर हम जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ यूजर्स हु यूज द डाटाबेस. यहाँ पे यूजर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन को यूज करके, ऐसे डाटाबेस एप्लीकेशन को यूज करके उस डाटाबेस को यूज करते हैं. ओके, जैसे कि हम लोग हैं यूजर्स, हम क्या करते हैं IRCTC में हम कोई भी ट्रेन का डिटेल्स जानना चाहते हैं, मतलब ट्रेन का डिटेल्स उस एप्लीकेशन में एक डाटाबेस में स्टोर्ड है तो उस डाटाबेस का कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस करना चाहते हैं. तो हम हैं वो यूजर्स जो कि उस पर्टिकुलर डाटाबेस एप्लीकेशन में जो भी डाटा स्टोर्ड है डाटाबेस के फॉर्म में उसको एक्सेस करते हैं. ओके, तो जैसे कि डाटाबेस एप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं आपके, तो वहाँ पे हर एक स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या सिलेक्ट किया उसको अगर टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना है तो वहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, मतलब क्या डाटा स्टोर कर रहे हो डाटाबेस में, उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो, या फिर आप जैसे बैंकिंग सिस्टम में आपका कितना बैलेंस है
आप कितना मनी विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब आपका बैंक का डिटेल्स जो है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो या फिर यूज करना चाहते हो, तो वहां पे उन सारे डाटाबेसिस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो या फिर डाटाबेस में कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए जो एप्लीकेशन या फिर जो सॉफ्टवेयर या फिर जो सेट ऑफ प्रोग्राम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उस तरह के एप्लीकेशन को हम बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन। ओके, दूसरा पार्ट है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके नाम से क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डाटाबेस एप्लीकेशन क्या है, डाटाबेस एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको यूज करके कोई भी यूजर उस एप्लीकेशन के पीछे जो डाटा स्टोर्ड है एक डाटाबेस में, उस डाटाबेस का डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिस एप्लीकेशन को, उसको बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन। पर जो डाटाबेस उस एप्लीकेशन में यूज किया गया है, उस डाटाबेस में जो डाटा स्टोर्ड है, उस डाटाबेस को बनाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। तो इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? इस सॉफ्टवेयर का काम है कि डाटाबेस सिस्टम जो है, जो कि हम यूज करते हैं एक डाटाबेस एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, उस डाटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए, उस डाटाबेस सिस्टम में कुछ मैनिपुलेशन करना है। मतलब सपोज अभी आप एक IRCTC का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मतलब एक रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो वहां पे उस रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में सारे ट्रेन का जो डिटेल्स है वो स्टोर्ड है जिस डाटाबेस में। उस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं IRCTC का सॉफ्टवेयर जो है एक डाटाबेस एप्लीकेशन। पर वो जो डाटाबेस है जिस डाटाबेस में सारे रेलवे का सारे ट्रेन का डिटेल्स स्टोर्ड है, उस डाटाबेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर को। उस डाटाबेस में उस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर को। और डाटाबेस का स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उसको भी हम मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर को। या फिर उस डाटाबेस में कुछ मैनेज करना चाहते हैं हम कि हम यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप डाटा टाइप जो हमने दिया था उसको हम चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं डाटाबेस के स्ट्रक्चर में, तो उस सारे चीजों को चेंज करने के लिए या फिर उस सारी चीजों में मैनिपुलेशन करने के लिए या फिर डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक डाटाबेस एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं DBMS। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द डाटाबेस एप्लीकेशन। सपोज आपका एक कॉलेज का वेबसाइट है, आपका कॉलेज का वेबसाइट का जो भी डाटा इंसर्ट होगा उसमें कोई भी, सपोज आपने वहां पे फैसिलिटी दिया है, जो भी यूजर आपके वेबसाइट के आपके कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं उनको वेबसाइट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यूजर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका डाटा जो इंसर्ट होता है वहाँ पे उनका डाटा एक डाटाबेस में स्टोर होता होगा। तो वहाँ पे आपका कॉलेज का जो वेबसाइट है वो आपका एक डाटाबेस एप्लीकेशन है। पर जो डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है उस डाटाबेस को बनाने के लिए या फिर उस डाटाबेस एप्लीकेशन में जिस डाटाबेस में हम डाटा को स्टोर करते हैं उस डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उस डाटाबेस का मेंटेनेंस करके रखने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं DBMS सॉफ्टवेयर। समझ आ गया? DBMS क्या है? एक डाटाबेस जो भी हम एक डाटाबेस एप्लीकेशन में यूज करते हैं उस डाटाबेस को बनाने के लिए, उस डाटाबेस को मेंटेन करके रखने के लिए, उस डाटाबेस में अगर कुछ उसका स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन या फिर चेंजेस करना चाहते हैं उन सारी चीजों को कर पाने के लिए हम यूज करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर को। और जो पर्टिकुलर वेबसाइट में हम यूज करते हैं एक डाटाबेस को डाटा स्टोर करके रखने के लिए और उस डाटाबेस के डाटा को एक्सेस करने के लिए हम जो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उस एप्लीकेशन या फिर उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जांपल क्या है DBMS के? ऐसे बहुत सारे DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, MySQL, Oracle, MS Access, etc. जैसे कि हमारे सिलेबस में है MySQL, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि MySQL सॉफ्टवेयर के यूज करके हम कैसे एक डाटाबेस बना सकते हैं, कैसे डाटाबेस में हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। ओके, तो अभी हमें देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है या फिर क्या क्या फंक्शन करता है एक DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS परफॉर्म्स फॉलोइंग 4 फंक्शंस, मेनली 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन है क्रिएशन ऑफ द डाटाबेस। जो भी डाटाबेस एप्लीकेशन सपोज चाहिए या फिर सपोज आप एक नॉर्मल डाटाबेस बना के आप अपने कंप्यूटर में कुछ डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हो तो उस डाटाबेस को क्रिएट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डाटाबेस में हम कुछ डाटा अगर इंसर्ट करके स्टोर करके रखना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में तो डाटा को इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम जब भी चाहें तब हम डाटाबेस को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, डाटाबेस से कोई भी डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये फंक्शन ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डाटाबेस में अगर हम कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी फंक्शन परफॉर्म करता है DBMS।
उसके साथ साथ अगर हम कुछ रिजल्ट या फिर आउटपुट देखना चाहते हैं तो वो भी हमें प्रोवाइड करता है या फिर वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, मेनली ये चार तरह का काम करता है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीबीएमएस? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एक डाटाबेस सिस्टम में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी और बैकअप, लैंग्वेज इंटरफेस, डाटा डिक्शनरी, स्टोरेज मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी। मेनली इतने सारे फीचर्स या फिर इतने सारे फैसिलिटी हमें मिलते हैं एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, जो कि हमें फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं मिलता था। ओके, तो एक एक करके जानते हैं इन सारे फीचर्स के बारे में। तो पहला है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मतलब क्या है? जैसे कि सपोज आप फाइल बेस्ड सिस्टम हो या फिर डाटा बेस्ड सिस्टम हो, अगर फाइल बेस्ड सिस्टम में आप डाटा स्टोर करते हो या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, चाहे वो फाइल बेस्ड सिस्टम हो या फिर डाटा बेस्ड सिस्टम हो, तो डाटा बेस्ड सिस्टम में अगर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड सिस्टम क्या करता है, हर एक ऑपरेशन को इंडिविजुअली सेपरेट कर देता है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। सपोज आप अपने डाटाबेस के अंदर एक बार एक डाटाबेस क्रिएट किए, एक बार उसमें आपने डाटा स्टोर किया, एक बार उससे आप उस डाटाबेस से आपने कोई डाटा को डिलीट किया, तो ये जो तीन काम आपने किया, डाटाबेस क्रिएट किया, डाटाबेस में कुछ डाटा स्टोर किया या फिर डाटाबेस से कुछ डाटा को डिलीट किया या फिर डाटाबेस से कुछ डाटा को मॉडिफाई किया, यहाँ पे आपने जो चार काम किया, ये हर एक काम को एक एक ट्रांजेक्शन हम बोलते हैं। तो डाटाबेस क्या करता है कि हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटाबेस के अंदर, वो सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, डिवाइड कर देता है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में। और ट्रांजेक्शन हम किसको बोलते हैं, एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क जो भी हम परफॉर्म करते हैं डाटाबेस में उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक डाटाबेस क्रिएट करना, ये एक ऑपरेशन है, ये एक इंडिविजुअल ऑपरेशन है, ये है आपका एक ट्रांजेक्शन। डाटाबेस क्रिएट होने के बाद डाटाबेस में डाटा स्टोर करना, इंसर्ट करना, ये है एक ट्रांजेक्शन। उससे कुछ डाटा डिलीट करना, ये है एक ट्रांजेक्शन। आपसे आपको उसमें से कुछ डाटा मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ये है और एक ट्रांजेक्शन। एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क व्हाट वी परफॉर्म्ड ऑन ए डाटाबेस, हम एक डाटाबेस में जो भी एक इंडिविजुअल काम या फिर इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस इंडिविजुअल ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक डाटाबेस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करता है, मतलब जितने भी ऑपरेशन हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, सारे ऑपरेशन को वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, और डीबीएमएस में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट नहीं रहता, या तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, मतलब सक्सेसफुली कम्प्लीट होगा, या तो वो ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ उस ट्रांजेक्शन को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो डीबीएमएस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, कोई भी ऑपरेशन करते हो, वो ऑपरेशन आपका अगर सही है, वो ऑपरेशन अगर आपका सक्सेसफुल है, तो वहां पे अगर आप चाहते हो कि आपके डाटाबेस में चेंजेस हो जाए, जैसे कि सपोज आप अपने बैंक अकाउंट में किसी के पास 20,000 ट्रांसफर करते हो, अगर सक्सेसफुली आपका 20,000 ट्रांसफर हो जाता है, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वहां पे कमिट कमांड को यूज करता है या फिर एक कमिट स्टेटमेंट को यूज करता है, ताकि जो भी चेंजेस उसमें हुआ वो चेंजेस परमानेंट हो। जैसे कि आपके बैंक में अगर 20,000 आप किसी के पास ट्रांसफर करते हो, अगर आपका 20,000 सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली सेव कर लेता है कि आपके अकाउंट से 20,000 ट्रांसफर हुआ और जिसके अकाउंट में जाना था उसके अकाउंट में 20,000 जाके ऐड हो गया। ओके, या फिर अगर आप किसी के पास 20,000 ट्रांसफर कर रहे हो पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर और कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके पास मनी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे ट्रांजेक्शन बीच में अटका नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा और आपको अलाउ करेगा आप फिर से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर अगर आप ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहते और तो ट्रांजेक्शन नहीं भी कर सकते। पर कोई भी ट्रांजेक्शन को डाटाबेस सिस्टम में इंटरमीडिएट या फिर इनकम्प्लीट स्टेट में रहने नहीं देता डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कम्प्लीट होगा, जिसको हम कमिट स्टेटमेंट यूज करके क्या करेंगे, परमानेंटली चेंज कर देंगे या फिर परमानेंटली सेव कर देंगे, और अगर आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो वहां पे हम रोल बैक स्टेटमेंट यूज करके वहां पे क्या करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, आपके ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देता है जो ट्रांजेक्शन आपका अनसक्सेसफुल हुआ। ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन को वो इनकम्प्लीट स्टेट में या फिर इंटरमीडिएट स्टेट में रहने नहीं देता। समझ आ गया? तो ये कमिट स्टेटमेंट और रोल बैक स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानो कि आपका ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल होता है तो वहां पे आपके ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए हम यूज करते हैं कमिट स्टेटमेंट को एक डीबीएमएस में, और अगर आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, जैसे कि बैंक में आप किसी के पास 20,000 ट्रांसफर कर रहे हो पर ट्रांसफर नहीं हो पाया,
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर और कोई प्रॉब्लम की वजह से हो, तो वहां पे ट्रांजेक्शन जबकि अनसक्सेसफुल हो गया तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देते हैं हम बाय यूजिंग रोल बैक स्टेटमेंट। इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी बस इतना जाना है कि डाटाबेस सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में नहीं रहता, या तो सक्सेसफुल होता है तो जिसकी वजह से परमानेंटली हम इसको चेंज कर देते हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, या फिर हम अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देते हैं और उस ट्रांजेक्शन को फिर शुरुआती स्टेट में ले आते हैं। सपोज आपके अकाउंट में 50,000 है, आप किसी के पास ट्रांसफर करते हो 20,000, सक्सेसफुली अगर ट्रांसफर हो गया तो आपके अकाउंट में हो जाएगा 30,000, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उसके अकाउंट में एड हो जाएगा और 20,000। तो वहां पे हम कमिट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और अगर आप किसी के पास ट्रांसफर कर रहे हो 20,000, तो वहां पे अगर आपका मनी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके पास ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में जो 50,000 था वही 50,000 आपके अकाउंट में फिर से रह जाएगा, आके आपके ट्रांजेक्शन को वो कैंसिल कर देगा। और अगर आप फिर से ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, उसके लिए अलाउ करता है डाटाबेस सिस्टम। समझ आ गया, ये है हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। दूसरा फीचर है कंकरेंसी कंट्रोल। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो गया या फिर ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन हो गया, उस सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा स्टोर होते हैं डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो उसको क्या लगता है आपको कि एक बार में कोई एक ही यूजर यूज करता होगा, लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं एक बार में। कोई भी एक ऑनलाइन बैंकिंग हो गया या फिर ऑनलाइन आपका जो ट्रेन टिकट बुकिंग हो गया, वहां पे लाख लाख लोग, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग ऐसे एक एक बार में क्या करते हैं, हर एक वक्त ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, डाटाबेस को एक्सेस करते रहते हैं। तो डाटाबेस सिस्टम अलाउ करता है एक ही बार में मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर डाटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ओके, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग देख लो, वहां पे क्या होता है, एक बार में एक ही वक्त में मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर अपना ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। कोई मनी डिपॉजिट करता रहता है, कोई अपना बैंक का बैलेंस चेक करता रहता है, कोई अपना मनी विड्रॉ करता रहता है, कोई किसी के पास कुछ ट्रांसफर कर रहा है, ओके, या फिर कोई उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक डाटाबेस में मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स के द्वारा एक ही वक्त में। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम की मोर देन वन ट्रांजेक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स कर सकते हैं कंकरेंटली, मतलब एक ही वक्त में विदाउट इंटरफियरिंग विद ईच अदर, किसी का ट्रांजेक्शन किसी के साथ भी इंटरफियर ना होके, जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम में इतना प्रॉपर नहीं हो पाता था, जो कि डाटाबेस सिस्टम में बहुत ही आसान तरीके से हो पाता है। ओके, इन डाटाबेस सिस्टम ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रनिंग साइमल्टेनियसली टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। डाटाबेस सिस्टम में सपोज चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का हो रेलवे का, या फिर आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो, तो एक डाटाबेस सिस्टम जो भी यूज किया जाता है तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एक वक्त में होते रहते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही बार में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे डीबीएमएस क्या करता है, प्रोसेस करता है सारे ट्रांजेक्शन को जो मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स करना चाहते हैं, सारे यूजर्स के ट्रांजेक्शन को एक बार में वो कंकरेंटली क्या करता है, रनिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, बिना किसी का ट्रांजेक्शन किसी के साथ इंटरफियर करके। किसी का भी ट्रांजेक्शन किसी के साथ इंटरफियर नहीं होता और आराम से क्या हो पाता है, आराम से ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो पाता है। जैसे कि आप देखे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग, लाखों लोग एक बार में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आपको एक बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो वहां पे सपोज 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोग एक बार में आप उनके बैंक अकाउंट्स को यूज कर रहे होंगे, कुछ ट्रांजेक्शंस कर रहे होंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहां पे कुछ दिक्कत आता है क्या, वही सेम स्पीड में ऑपरेशन या फिर ट्रांजेक्शन हो पाता है? तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें डाटाबेस सिस्टम या फिर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये है और एक फीचर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल, मतलब कंकरेंटली एक वक्त में मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस को हैंडल करने के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, डीबीएमएस। उसके बाद और एक फीचर के बारे में आते हैं जिसका नाम है रिकवरी। रिकवरी मतलब क्या, जैसे कि सपोज हमने ये पढ़ा था कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बैकअप फैसिलिटी यूज करता है, पीरियडिकल बैकअप लेता है, चाहे वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर एनुअली हो सकता है। मंथली मतलब हर एक महीने में, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में ले सकता है, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में ले सकता है, या फिर एनुअली मतलब हर एक साल में वो क्या कर सकता है, आपका जो भी डाटाबेस में डाटा स्टोर्ड है उन डाटाबेस को वो क्या करता है, उन डाटा को बैकअप करके रखता है, ताकि कभी भी अगर हार्डवेयर कुछ खराब हो जाए, या फिर आपका सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाए, या फिर कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ अलग प्रॉब्लम्स आ जाए, जिसकी वजह से अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो अगर हमने डाटा को वहां पे बैकअप करके रखा है तो हम वहां पे डाटा को रिकवर कर सकते हैं। और रिकवरी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम, इसके वजह से हमारा डाटा लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ओके,
और एक फीचर है लैंग्वेज इंटरफेस। डाटाबेस क्या करता है या फिर डीबीएमएस क्या करता है, अपना खुद का लैंग्वेज यूज करता है, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता। डाटाबेस अपना खुद का लैंग्वेज यूज करता है कुछ भी डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि सपोज आपने एक डाटाबेस आपने एक एप्लीकेशन या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आप चाहते हो कि अपने एप्लीकेशन में जो भी डाटा कोई इंसर्ट करे वो डाटा डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर हो। ओके, या फिर आपका इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डाटाबेस फॉर्म में स्टोर हो ताकि कोई भी यूजर उससे उस डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सके। तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाया होगा वो सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बनाया गया होगा, पर आपका जो डाटाबेस है वो बनाया गया होगा डाटाबेस का अपना खुद का लैंग्वेज यूज करके, जिसको हम बोलते हैं SQL और SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस क्या करता है, अपना खुद का लैंग्वेज यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज को यूज करके वो अपने डाटाबेस एप्लीकेशन, किसी भी डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ खुद को इंटरेक्ट करता है। ओके, जैसे कि सपोज आप अपने एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के साथ डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हो, तो डाटाबेस सिस्टम या फिर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपना खुद का लैंग्वेज यूज करके किसी भी डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो SQL इज द डाटाबेस लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। SQL है वो डाटाबेस लैंग्वेज जिसको हम यूज करते हैं अपने डाटाबेस को किसी भी डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करके उन डाटाबेस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे डाटाबेस को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये और एक फीचर है DBMS का। और एक फीचर क्या है, डाटा डिक्शनरी। तो ये डाटा डिक्शनरी क्या है, डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल। डाटा डिक्शनरी एक फाइल है या फिर एक सेट ऑफ फाइल है जो कि कंटेन करके रखता है डाटा किसके बारे में, एक डाटाबेस के बारे में। मतलब सपोज आपके बारे में कोई डाटा है, आपका एक डाटा है स्विल, और आपके बारे में अगर कोई और जानना चाहता है तो वो है आपका डाटा अबाउट डाटा। मतलब सुनील कुमार साहू एक डाटा है, सुनील कुमार साहू के बारे में अगर कोई और डाटा जानना चाहता है तो वो है डाटा अबाउट डाटा, जिसको हम बोलते हैं मेटा डाटा। ओके, वैसे ही डाटा डिक्शनरी क्या है, डाटा डिक्शनरी एक फाइल है या फिर एक सेट ऑफ फाइल है जो क्या करता है कि एक डाटाबेस, सपोज आप बनाते हो आपके डाटाबेस एप्लीकेशन में, आप कुछ डाटाबेस यूज करते हो, तो उस डाटाबेस में जितने भी सारे डाटा है कि उस डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा कॉलम या फिर कौन सा फील्ड किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, आपके डाटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उस डाटाबेस में क्या क्या स्टोर्ड है, उस डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो फिजिकली कहाँ पे जाके किस स्टोरेज एरिया में स्टोर हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में या फिर जिस सेट ऑफ फाइल में स्टोर होके रहता है, उस सेट ऑफ फाइल को हम बोलते हैं डाटा डिक्शनरी। और इसी सेट ऑफ फाइल को एक्सेस कर सकता है कौन या फिर यूज कर सकता है कौन, सिर्फ डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब सब डाटाबेस का जो हेड है वही सिर्फ देख सकता है इसको, कि ये जो डाटाबेस हमने इस डाटाबेस एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया है वो डाटाबेस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उस डाटाबेस में क्या क्या डाटा स्टोर्ड है, उस डाटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन हमने किस किस को दे रखा है, या फिर उस डाटाबेस का जो डाटा के स्टोर हो रहा है वो फिजिकली कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर होता है, उस फाइल को हम बोलते हैं डाटा डिक्शनरी। और इसी फाइल को एक्सेस कौन कर सकता है, कोई भी नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर कोई भी यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको एक्सेस कर सकता है सिर्फ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सपोज आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के वेबसाइट में जो भी डाटा है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, पर उस डाटाबेस जो भी बनाया गया है आपके कॉलेज में, उस डाटाबेस में किस किस को कौन सा पार्ट एक्सेस करने की परमिशन दिया गया है, कौन कौन सा डाटा इसमें स्टोर्ड है, या फिर आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है वो फिजिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो किसको पता चलेगा, उस डाटाबेस को जो मेंटेन कर रहा है, उस डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उस डाटा का जो डाटाबेस का जो हेड है, वही सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वही सिर्फ इस फाइल्स को देख सकता है, वही सिर्फ इसके बारे में जान सकता है। ओके, ये और एक फीचर है डाटा डिक्शनरी। उसके बाद और एक फीचर है स्टोरेज मैनेजमेंट। तो एक डीबीएमएस डिसाइड करता है या फिर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम एक स्टोरेज मैनेजमेंट मैकेनिज्म या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, जो कि हमें अलाउ करता है ये डिसाइड करने के लिए कि हम कैसे, कब और कहाँ पे हमारे डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, और यूजर को कैसे, कब और किस तरह से हमारे डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये स्टोरेज मैनेजमेंट मैकेनिज्म यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारे टेक्निक को यूज कर सकते हैं और यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे हमारा डाटा स्टोर होगा एक डाटाबेस में, किस तरह, कब स्टोर होगा, और कैसे कोई भी नॉर्मल यूजर या फिर कोई भी यूजर जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे डाटाबेस को एक्सेस करे, वो कैसे, कब और किस तरह से हमारे डाटाबेस के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट मैकेनिज्म या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्निक को, जो कि हमें प्रोवाइड करता है कौन, DBMS। ये और एक फीचर है जो कि हमें DBMS प्रोवाइड करता है। उसके साथ और एक फीचर हमें क्या प्रोवाइड करता है DBMS, डाटा सिक्योरिटी।
तो डाटा सिक्योरिटी मतलब क्या, जैसे कि आप फाइल बेस्ड सिस्टम में कुछ भी डाटा स्टोर करते हो उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आके क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजेस जो भी करना चाहता है कर सकता है। पर एक डीबीएमएस क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसको, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या फिर कोई भी आउटसाइडर आके आपके डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को मॉडिफाई या फिर चेंजेस नहीं कर सकता आपके परमिशन के बिना। अगर आपने किसी को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है तो वो हो गया आपका वैलिड यूजर, तो वही ऑथराइज्ड यूजर या फिर वैलिड यूजर सिर्फ आपके डाटाबेस के डाटा को एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है जिसको आप परमिशन देते हो सिर्फ उसी को, ओके। और कोई भी आउटसाइडर या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करता। तो डाटाबेस हमें सिक्योरिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें गारंटी देता है डाटा सिक्योरिटी का एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है डाटा को मेंटेन करते वक्त या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं डाटाबेस में। तो ओके, तो आपको समझ आ गया आई थिंक कि जो हमारा डाटाबेस सिस्टम है उसका मेनली दो पार्ट क्या है, एक है डाटाबेस एप्लीकेशन, एक है डीबीएमएस, तो ये दोनों क्या है। और उसके बाद हमने देखा कि एक डीबीएमएस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, डाटाबेस क्रिएट करना, उसमें डाटा इंसर्ट करना, उसमें डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ रिजल्ट अगर प्रोवाइड कोई चाहता है तो रिजल्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हमने कुछ फीचर्स भी देखे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में कि क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या फैसिलिटी है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जिसके वजह से हमें बेनिफिट मिलते हैं, जिसके वजह से हमें फायदा मिलते हैं, हमारा डाटा सिक्योर रहता है, हम फास्टर स्पीड में डाटा को एक्सेस कर पाते हैं और बहुत ही कम वक्त में हम डाटा को एक्सेस कर पाते हैं, तो उसके वजह से क्या क्या फीचर हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है जिसके वजह से हम इतने आसानी से डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर पाते हैं, डाटाबेस में डाटा को स्टोर कर पाते हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।